नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट भी तालुक में। अपने संस्थान में टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के डेमो आपने देखे, आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रवेश भी लिया। बहुत बहुत साधुवाद संस्थान की तरफ से कि आपने हम पर भरोसा जताया। कुछ शेष विषय रह गए हैं जिनके डेमो आज से जाने प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें समाजशास्त्र का डेमो आज आप देखेंगे। आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, आलोक पांडे जी आपको समाजशास्त्र पढ़ाएंगे। आलोक पांडे जी कुशल अध्यापक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्कॉलर भी रहे हैं और इनका समाजशास्त्र पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रभावी है। आपको बहुत मजा आने वाला है इनके साथ समाजशास्त्र तैयार करने में। तो निश्चित रूप से समाजशास्त्र विषय की जो भी डिमांड है आने वाली परीक्षा में, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ये उस पर पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे। आने वाले क्रम में आप होम साइंस के, आर्ट के और कॉमर्स के भी डेमो जल्दी ही देखेंगे कल और परसों में। टारगेट भी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में कक्षाएं टीजीटी पीजीटी की शुरू हो चुकी हैं। खूब बड़ी संख्या में आप लोगों ने प्रवेश लिया। आप एक अनुशासन पूर्वक कक्षाओं को देख रहे हैं उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर है। अभी भी यदि आपने प्रवेश नहीं लिया हो तो प्रवेश प्रक्रिया में बता देता हूं, प्रवेश निरंतर चल रहे हैं। कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जाइए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस निःशुल्क टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर प्रवेश संबंधी समस्त जानकारियां भी है और जो भी क्लासेस निःशुल्क आपको प्रेषित की जा रही है, जो भी कंटेंट निःशुल्क प्रेषित किया जा रहा है, वह कंटेंट भी वहां पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एंट्री टीजीटी पीजीटी लिख के हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम एक विस्तृत मैसेज के माध्यम से आपसे संपर्क करेगी। यह हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर हैं। इन काउंसलर सदस्यों के नंबर्स पर आप प्रातःकाल से सायंकाल तक फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। समाजशास्त्र में भी प्रवेश प्रक्रिया आज से खोल दी गई है, आप सोशियोलॉजी में भी खूब प्रवेश ले लीजिए। यहां पर यह हमारे बैच की विशेषता है, एक बैच में आपको क्लासेस तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स हम आपको देंगे, संभावित प्रश्न उत्तर श्रृंखला मिलेगी जो परीक्षा के लिए जरूरी है, स्तरीय टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहां पर लाइव मैराथन रिविजन आपका है, 50+ लाइव प्रैक्टिस सेट आपके हैं, 6 माह की अवधि है पढ़ाने की या परीक्षा पहले आ जाती है वो, और कोर्स पूर्ण होने की और वैधता है आपकी कोर्स की 1 वर्ष की, आप 1 वर्ष तक फ्रीली अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए टारगेट भी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़िए और आपने जो सपना देखा है उस सपने को आप इस 2022 वर्ष में जरूर पूरा करिए। अब अगली आवाज आलोक पांडे सर की होगी और उनके साथ आप समाजशास्त्र विषय को न केवल कनेक्ट करेंगे बल्कि इस विषय में आप सबसे ज्यादा चयन भी देंगे। मेरी तरफ से धन्यवाद। अब आप सर के साथ समाजशास्त्र प्रारंभ करिए। आज का टॉपिक जो है वो है अगस्त कांटे थिंकर, और अगस्त कांटे त्रि स्तरीय सिद्धांत है, विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत है, कई सिद्धांत है। सिलेबस में पीजीटी में आप देखेंगे केवल थिंकर का नाम लिख दिया है, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं और तो वो चर्चा का आज जो विषय है वो विज्ञानों का वर्गीकरण है। इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है कि टारगेट विद आलोक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अपने टारगेट यानी कि पीजीटी सोशियोलॉजी में हम सफल कैसे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य यही है कि आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। तो सफल होने के लिए आपको, आप जानते हैं पीजीटी सोशियोलॉजी की जो परीक्षा होती है वो 2 चरणों की परीक्षा होती है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक प्रश्न पत्र होगा और बहुविकल्पी उसमें प्रश्न दिए रहेंगे, केवल उसमें आपको टिक करना होता है और ओएमआर शीट में आपको गोला भरना होता है। यदि वो परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और साक्षात्कार होता है। तो कहने का सेंस यह है कि आपको सफलता तभी मिलेगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव जो प्रणाली पे प्रश्न कराए जाते हैं, पेपर कराए जाते हैं, उस पेपर में भी आप सफल हो लें, उसके बाद आप साक्षात्कार में भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। मुझे लगता है कि इन दोनों चरणों में आपके सफल होने के लिए जो रणनीतियां होनी चाहिए उन रणनीतियों को लेकर के हम विज्ञानों का वर्गीकरण को देखेंगे। रणनीतियां क्या है साथियों? पहली रणनीतियां ये हैं, पहली रणनीतियां हमारी ये है
कि इस विज्ञानों के वर्गीकरण की जो विषय वस्तु यानी किसी भी पाठ्य सामग्री, जैसे मान लीजिए इस समय का पाठ्य सामग्री क्या है, विज्ञानों का वर्गीकरण है, तो इस विज्ञानों के वर्गीकरण टॉपिक को हमें सबसे पहले अपनी समझ विकसित करना पड़ेगा, समझ विकसित। समझ विकसित करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? दूसरा जो स्टेप है कि हमें परीक्षा उपयोगी कैसे बने, ये विज्ञानों का वर्गीकरण परीक्षा उपयोगी कैसे बने ये हमको समझना पड़ेगा। यानी हमारा जो पाठ्य सामग्री है यानी कि विज्ञानों का वर्गीकरण, वह परीक्षा उपयोगी कैसे बने, समझ विकसित करना पड़ेगा। यदि इन दो पैरामीटर को हम यदि साध लें, यानी इन दोनों पैरामीटर पे हम अच्छे से काम को कर लें, तो मेरा मानना है और मेरा तजुर्बा है कि निश्चित तौर पे वो प्रश्न पत्र आप हल करने में सक्षम हो पाएंगे जब आप परीक्षा उपयोगी इसको बना लेंगे। तो यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का अवलोकन करने के बाद जब आपका कंटेंट परीक्षा उपयोगी हो जाएगा तो आपसे आसान प्रश्न या रिपीट प्रश्न गलत नहीं होगा। साथियों, कंपटीशन में सफल होने के लिए आसान प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सीनियरों का भी यही कहना है, आप कभी भी किसी सीनियर से भी बात करेंगे तो उनका भी कहना यही है। तो आइए हम इस रणनीति के साथ पीजीटी सोशियोलॉजी को आगे लेकर के चलते हैं और विज्ञानों के वर्गीकरण टॉपिक को आज हम देखते हैं। इसको आइए विज्ञानों के वर्गीकरण टॉपिक को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञानों का वर्गीकरण, पहले सबसे पहला जो पॉइंट है हम देखेंगे कि क्या है यह विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है। तो हमारा उत्तर आएगा कि अगस्त कांटे विज्ञानों का वर्गीकरण थ्योरी दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। तो ये है क्या, बेसिकली विज्ञानों को वर्गीकृत करने का, सिद्धांत है, यह एक सिद्धांत है। विज्ञानों क्या है यह, कि विज्ञानों को वर्गीकृत करने का एक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। विज्ञानों को वर्गीकृत करने का वैज्ञानिक सिद्धांत है, या अथवा विज्ञानों को वर्गीकृत करने का उद्विकासीय सिद्धांत है। बात समझ में आ रहा होगा, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है। अगस्त कांटे ने विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत दिया और ये क्या है, तो विज्ञानों का वर्गीकरण ये है कि विज्ञानों को वर्गीकृत करने का एक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, या विज्ञानों को वर्गीकृत करने का उद्विकासीय सिद्धांत है। पुनः बता रहा हूं, विज्ञानों को वर्गीकृत करने का, कई विज्ञान है तो उनको इन विज्ञानों को, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथ है, तो विभिन्न विज्ञानों को, उसमें सोशियोलॉजी भी एक विज्ञान है, अगस्त कांटे मानते हैं, तो इन विज्ञानों को एक क्रम में क्या करते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं वैज्ञानिक आधार पे। तो विज्ञानों को वर्गीकृत करने का एक थियरी है, सिद्धांत है, जो विज्ञानों को क्या करता है, उद्विकासीय आधार पे या वैज्ञानिक आधार पे क्या करता है, उसका वर्गीकरण करता है कि उद्विकासी क्रम में सबसे पहला किसको मानेगा,
कि मैं थियरी जब एक्सप्लेन करूंगा एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, अभी यहाँ केवल ये क्या है पहला चीज होता है। आप कहीं भी जाएंगे आपको हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाए कि विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है, तो आप बताएंगे कि अगस्त कांटे का यह सिद्धांत है जिसमें इन्होंने क्या किया है, कई विज्ञानों को उनके उद्विकास के आधार पे वैज्ञानिक आधार पे वर्गीकृत किया गया है, अर्थात विज्ञानों को वर्गीकृत करने का ये क्या है, सिद्धांत है। अब आइए चलिए हम देखते हैं कि आखिर अगस्त कांटे ने इसे क्यों दिया, अगस्त कांटे ने इसे क्यों दिया। अब यहां समझते हैं हम अगस्त कांटे ने इसे क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया। ध्यान देखिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगस्त कांटे विज्ञानों के वर्गीकरण सिद्धांत आखिर क्यों दिया, क्यों प्रतिपादित किया, रीजन क्या था, यह समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इंटरव्यू में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आप जानते हैं पीजीटी के इंटरव्यू लेने के लिए बीएचयू से प्रोफेसर आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया जाता है और वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं इंटरव्यू में साक्षात्कार में, तो विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत क्यों दिया अगस्त कांटे ने, इसके लिए साथियों उन्होंने दो कारण बताया। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि समाज, इन्होंने दो कारण बताया, रीजन क्या था, दो रीजन, पहला रीजन और दूसरा रीजन। पहला रीजन क्या था कि समाज शास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में सुदृढ़ मजबूत आधार प्रदान करने के लिए, समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया। यह थोड़ा सा चीज समझना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं अगस्त कांटे कालीन जो यूरोपीय समाज था, आप जानते हैं अगस्त कांटे कालीन जो यूरोपीय समाज था वो यूरोपीय समाज पूरा विज्ञानमय हो गया था, यानी कि विज्ञान की भाषा में कही गई कोई भी बात समाज के हर वर्ग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता था। समाज क्या हुआ था, धर्म आधारित पहले था लेकिन धर्म आधारित समाज की मान्यताएं धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, यानी कि समाज में धर्म के आधार पर कोई बात कहा जाता था तो अब लोग नहीं मान रहे थे, अगस्त कांटे कालीन समाज में लोग तर्क करना सीख गए थे कि उस समय यूरोपीय समाज में दार्शनिकों का एक हुजूम था, एक मंडली था, तो दार्शनिकों का जो मंडली था वो पूरे समाज को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि सत्य तक पहुंचने के लिए एक ही साधन है, वो है तर्क, और विज्ञान की आत्मा है तर्क। अर्थात पूरा यूरोपीय समाज को वो दार्शनिक लोग जो थे वो विज्ञानमय बनाने में लग गए थे, और पूरा समाज हो भी रहा था क्योंकि विज्ञान प्रमाण प्रस्तुत करता है, धर्म प्रमाण प्रस्तुत बहुत कम कर पाता है, वह आस्था का विषय है, और धर्म में कही गई जो बातें थी उसका कई आधारों पर खंडन होने लगा था यूरोपीय समाज में, मैं उसकी डिटेल में चर्चा भी करूंगा, लेकिन एक बार आप जान जाएंगे तो चूंकि समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कांटे, और अगस्त कांटे समाजशास्त्र विषय को विज्ञानमय यदि बना दें, अर्थात समाजशास्त्र के विषय वस्तु को वैज्ञानिक ढांचा दे दें, तो इनको पता था कि यूरोपीय समाज इस समाजशास्त्र रूपी नए विज्ञान को, नए विषय को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और इसकी सामाजिक स्वीकृति बन जाएगी और एक विज्ञान के रूप में इसका आसानी से विकास हो जाएगा। इसलिए वो समाज शास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में, देखिए विज्ञान के रूप में सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहते थे, इसलिए वो विज्ञानों का वर्गीकरण किए। बात समझ में आ रही है। दूसरा चीज क्या था, दूसरा चीज था कि दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु को समाज शास्त्र की विषय वस्तु से अलग करना चाहते थे, या समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु से अलग करना चाहते थे, क्योंकि दर्शन शास्त्र में तमाम ऐसी बातें कही गई थी जो अतिंद्रिय थी, हमारी इंद्रियों के परे थी,
तो हम उसका प्रत्यक्ष कैसे कर पाएंगे, उसका अवलोकन कैसे कर पाएंगे, निरीक्षण परीक्षण कैसे कर पाएंगे। दर्शन में आत्मा की बात की जाती है, ईश्वर की बात की जाती है, लेकिन समाज शास्त्र में ईश्वर को नहीं पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूरोपीय समाज में यहाँ पे ऑगस्ट काम्टे प्रत्यक्षवाद की वकालत करते थे, तो वो कहते थे जिसका प्रत्यक्ष होगा वही समाजशास्त्र का विषय वस्तु बन पाएगा। तो यही बात दुर्खिम भी कह रहे थे अपने सामाजिक तथ्य की अवधारणा में, यहां समझने की बात है। तो इसलिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु से उन सब चीज को हटाना चाहते थे जिनका की प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, और उन्हीं को केवल समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में रखना चाहते थे जिसका प्रत्यक्ष संभव था। क्योंकि दर्शन शास्त्र में कई ऐसी बातें थी जिनका प्रत्यक्ष संभव नहीं था, आत्मा, ईश्वर, तमाम ऐसी कई बातें थी जिनके बारे में हम नहीं जान सकते थे। इसीलिए ऑगस्ट काम्टे बहुत ही सतर्क थे, सावधान थे, और इसीलिए वो समाज शास्त्र की विषय वस्तु को, समाज शास्त्र की विषय वस्तु को, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करना चाहते थे, यह दो कारण था। इसीलिए उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया। ये जानना बहुत जरूरी है, यदि आप इस चीज को जान जाएंगे कि अगस्त काम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण क्यों किया था। मजे की बात यह है साथियों, अच्छी किताबों में तो दिया हुआ है, 90% किताबों में इसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। तो विज्ञानों का वर्गीकरण सबसे प्राइमरी चीज होता है किसी भी थिंकर की जो थियरी है उसकी यदि गहराई में आप उतरेंगे तो सबसे प्रारंभिक चीज ये है कि उन्होंने आखिर वो थियोरी दिया क्यों, रीजन क्या था, उसी से आपको आलोचना मूल्यांकन सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मेरा उम्मीद है कि विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त काम्टे आखिर क्यों करते हैं। तो पहला कारण क्या था कि समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए। दूसरा कारण क्या था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करना चाहते थे, इसलिए अगस्त काम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत दिया। हरी बात समझ में। अब हम देखेंगे साथियों, कोई भी थिंकर जब अपनी कोई भी थियरी देता है, जैसे कि अगस्त काम्टे साहब हैं, इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत दिया, तो विज्ञानों के जो वर्गीकरण थियरी इन्होंने दिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी थिंकर से या किसी न किसी इनके कोई न कोई गुरु रहे होंगे या किसी न किसी से प्रेरणा जरूर लिए होंगे। तो कोई थिंकर किससे प्रेरित होता है तो उसकी विचारधारा की छाप इनकी विचारधारा पे पड़ता जरूर है। तो आइए देखते हैं कि आखिर विज्ञानों के वर्गीकरण में क्या ये इनका स्वतंत्र चिंतन था या विज्ञानों के वर्गीकरण सिद्धांत पर किसी का प्रभाव था। तो आइए देखते हैं कि विज्ञानों के वर्गीकरण पर प्रभाव किसका, तो सबसे पहले बात जानते हैं कि अगस्त काम्टे और सेंट साइमन दोनों गुरु शिष्य, सेंट साइमन अगस्त काम्टे के गुरु और अगस्त काम्टे उनका शिष्य है। तो सेंट साइमन से ये बहुत प्रभावित, अगस्त काम्टे सेंट साइमन से प्रभावित है, सेंट साइमन से प्रभावित है अगस्त काम्टे। यहां समझना है, अगस्त काम्टे सेंट साइमन से प्रभावित है। सेंट साइमन का कहना था कि विज्ञान, ये भी सेंट साइमन भी, इसका अर्थ ये हो गया कि सेंट साइमन भी विज्ञानों के वर्गीकरण से कहीं ना कहीं क्या है, चर्चा किए होंगे तभी किससे प्रभावित है। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञानों के वर्गीकरण से दोनों लोग संबंधित हैं, एक तो अगस्त काम्टे भी संबंधित है और सेंट साइमन भी संबंधित है। परीक्षा में पूछा जा सकता, आज तक प्रश्न पूछ बना नहीं है, इंटरव्यू में प्रश्न उठ सकता है कि विज्ञानों के वर्गीकरण से कौन संबंधित है। थियरी तो दिया इन्होंने, लेकिन संबंधित कौन है, इन्होंने भी चर्चा किया
लेकिन इसकी व्यापक एवं वैज्ञानिक आधारों पे सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर पाए। सेंट साइमन साहब इसको अधूरा छोड़ दिए थे। वो पूरा काम किसने किया? इन्हीं सेंट साइमन के ही शिष्य अगस्त काम्टे ने पूरा किया। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा देखेंगे हम, इस बात को ध्यान देंगे कि अगस्त काम्टे ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण दिया और सेंट साइमन ने जो विज्ञानों के वर्गीकरण पर चर्चा किया, तो क्या दोनों में असमानता थी या समानता थी? क्या अगस्त काम्टे सेंट साइमन के विज्ञानों के वर्गीकरण से पूरी तरह से सहमत थे या अधूरी तरह से? तो जवाब आपको मिलेगा कि सेंट साइमन विज्ञानों के वर्गीकरण की वकालत तो करते थे और ये भी कहते थे कि विज्ञानों का वर्गीकरण केवल व केवल वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। ये कौन कहता था? सेंट साइमन कहते थे। अगस्त काम्टे भी यही बात कहते थे, लेकिन अगस्त काम्टे का कहना यह था कि विज्ञानों के वर्गीकरण में केवल व केवल वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना चाहिए और व्यापक रूप से वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना चाहिए। यानी कि विज्ञानों के वर्गीकरण में यह सेंट साइमन विज्ञान का बहुत कम सहारा लेना चाहते थे, लेकिन अगस्त काम्टे विज्ञानों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक आधार को ही प्रमुख मानता है। कहता है वैज्ञानिक आधार पे ही विज्ञानों का वर्गीकरण होना चाहिए। यानी कि ये समझ में आ गया होगा कि विज्ञानों के वर्गीकरण सिद्धांत में अगस्त काम्टे ने सेंट साइमन से कुछ न कुछ ग्रहण जरूर किया था, प्रभावित थे अगस्त काम्टे, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं थे। सेंट साइमन के विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। सेंट साइमन से अगस्त काम्टे पूरी तरह सहमत नहीं थे। आ रही बात समझ में? जहां विज्ञानों के वर्गीकरण में सेंट साइमन साहब कहते थे 30-40% विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, जबकि अगस्त काम्टे कहते थे 100% विज्ञान का सहारा, 100%। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा दोनों में फर्क क्या है। तो विज्ञानों के वर्गीकरण की प्राथमिक चर्चा कौन किया? सेंट साइमन ने किया। और विज्ञानों के वर्गीकरण को व्यापक एवं प्रसिद्धि किसने दिलाया? तो अगस्त काम्टे ने दिलाया। आ रही बात समझ में? अब आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आइए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। आइए देखते हैं विज्ञानों के वर्गीकरण में किस सिद्धांत का सहारा लेते हैं, किस सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगस्त काम्टे विज्ञानों के वर्गीकरण में किस सिद्धांत का सहारा लेते हैं, यानी कि इनका आधार क्या होता है, विज्ञानों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं किस सिद्धांत का सहारा लेते हैं अथवा आधार क्या है, विज्ञानों के वर्गीकरण का आधार क्या है। कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है किस सिद्धांत का सहारा लेते हैं, या कहीं कहीं लिखा हुआ कि आधार क्या है। अच्छी किताबों में लिखा हुआ किस सिद्धांत का सहारा लेते हैं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा दो सिद्धांत का सहारा लेते हैं। एक है पराश्रयता का अर्थ होता है साथियों डिपेंडेंसी, निर्भरता। पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत इसका सहारा लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी, है ना, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग
डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी थियरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है घटती हुई सामान्यता, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत, और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत, जटिलता का सिद्धांत। यानी कि विज्ञानों का जो वर्गीकरण सिद्धांत है साथियों, वो परासरता वृद्धि क्रम के सिद्धांत पर आधारित है और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के सिद्धांत पर आधारित है। परीक्षा में पूछा जाता है, पीजीटी में तो नहीं पूछा है आज तक, संभावित है, संभावित, अभी मैं चर्चा भी करूंगा आगे। तो इसका थोड़ा सा अर्थ समझेंगे, परासरयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत क्या है। परासरयता वृद्धि का मतलब ये होता है, अगस्त कामटे कहते हैं विज्ञानों के वर्गीकरण में, वो अभी व्याख्या जब वो करते हैं विज्ञानों का, एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो व्याख्या करते हैं, तो कहते हैं कि सबसे सरल विषय होता है गणित, गणित यानी मैथ को वो सबसे सरल मानते हैं और सबसे स्वतंत्र और कम जटिल विषय मानते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर को रखते हैं एस्ट्रोनॉमी को यानी खगोल शास्त्र को, फिर उसके बाद फिजिक्स को रखते हैं, भौतिक शास्त्र को, फिर उसके बाद रसायन शास्त्र को रखते हैं, फिर उसके बाद जीव विज्ञान को रखते हैं, उसके बाद सोशियोलॉजी को रखते हैं। यानी कि विज्ञानों के वर्गीकरण में छह विषयों का जिक्र करते हैं, वो मैथ का एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान का, गणित हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, फिजिक्स हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, फिर सोशियोलॉजी हो गया। देखिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। कहते हैं परासरयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, विज्ञानों का वर्गीकरण में कहते हैं कि हर एक अगला विषय, जैसे 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 पहला विषय ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो कह रहे हैं कि दूसरा जो विषय है वो पहले विषय पे निर्भर है, पहला विषय किसी पे निर्भर नहीं है, तीसरा विषय दूसरे और पहले पे निर्भर है, चौथा विषय, ध्यान देंगे, चौथा विषय तीसरे दूसरे पहले पे निर्भर है, चौथा पांचवा विषय चौथे तीसरे दूसरे और पहले पे निर्भर है, छठा विषय इन सब पे निर्भर है। इसका अर्थ क्या है, पराश्रयता यानी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है विज्ञानों का, जैसे जैसे विज्ञानों का इसीलिए उद्विकास, तो विज्ञानों का जैसे उद्विकास हुआ तो ये विज्ञान अपने विकास के क्रम में पूर्ववर्ती विज्ञानों पर क्या होते गए, अत्यधिक निर्भर होते गए, ये कह रहा है प्रसरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत कह रहा है। दूसरा चीज क्या कह रहा है, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता, यानी कि जनरलिटी घटती जाएगी, जैसे से जैसे जैसे ये विषय घटता जाएगा, जैसे जैसे ये सब्जेक्ट का विकास होगा तो सामान्यता, जनरलिटी, इसको बोलते हैं जनरलिटी, सामान्यता, सामान्यता, और जटिलता को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी अर्थात की जटिलता। तो जटिलता बढ़ता जाता है, इसलिए अगस्त कामटे बहुत चालाक थे, अगस्त कामटे बहुत होशियार तार्किक थे। सोशियोलॉजी को इन्होंने साबित कर दिया कि सबसे जटिल विज्ञान है, देखिए कहें कि सबसे नीचे है अतः यह सबसे जटिल विज्ञान है, और सबसे सरल विज्ञान किसको बता दिए, गणित को। एक प्रश्न बनता है कि कौन सा सोशियोलॉजी के निकटतम, सोशियोलॉजी से सर्वाधिक प्रभावित विषय कौन सा है, कौन सा विज्ञान है विज्ञानों के वर्गीकरण में, तो जीव विज्ञान है। क्यों, क्योंकि सोशियोलॉजी का निकटवर्ती वही है, ऐसा अगस्त कामटे मानते हैं। यहां से प्रश्न उठता है, प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न केवल ये बना है कि निकटवर्ती कौन सा है, कौन सबसे दूरस्थ है, तो गणित सबसे दूरस्थ है। क्यों, आप हायरार्की क्रम देखिए, क्योंकि सबसे सरल है और ये सबसे जटिल है, हरी बात समझ में।
तो यहां से एक प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सिद्धांत या इसका आधार क्या है, विज्ञानों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो पहला आधार है साथियों पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, और दूसरा है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। आ रही बात समझ में? अब पुनः हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे साथियों कि विज्ञानों के वर्गीकरण सिद्धांत को, विज्ञानों के वर्गीकरण की एक कंप्लीट व्याख्या थोड़ा सा हम देखते हैं, विज्ञानों के वर्गीकरण की व्याख्या। इसकी व्याख्या अपनी किस पुस्तक में करते हैं, किस पुस्तक में करते हैं पूछता है डायरेक्ट पीजीटी में। किस पुस्तक में करते हैं? यहां ध्यान देंगे कि अगस्त कांटे विज्ञानों के वर्गीकरण को, अब इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव फिलॉसफी। एक पुस्तक है इनका पॉजिटिव फिलॉसफी। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि पॉजिटिव फिलॉसफी किसका पुस्तक है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त कांटे की पुस्तक है। इसी पॉजिटिव फिलॉसफी में ही अगस्त कांटे ने विज्ञानों के वर्गीकरण सिद्धांत को क्या किया है, प्रतिपादित किया है। डायरेक्ट प्रश्न यहां से पूछ देता है, इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि अगस्त कांटे ने विज्ञानों के वर्गीकरण सिद्धांत को अपने किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, तो पॉजिटिव फिलॉसफी में। ये पॉजिटिव फिलॉसफी साथियों 1830 में, ज्यादा समय लग गया था इसके प्रकाशित होने में, यहां लिखना शुरू हुआ था 1830 में, 42 में जाकर के पुस्तक कंप्लीट हुआ था। अरे बात समझ में? तो विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत जो है पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त कांटे ने प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, इस सिद्धांत की व्याख्या क्या है। अगस्त कांटे विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो विषय रखते हैं वो गणित शास्त्र को रखते हैं। किसको रखते हैं? गणित को रखते हैं, गणित शास्त्र या गणित बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म है मैथ को, एम बना लीजिए, इसका एक कोड हो जाता है साथियों मैप सीबीएस, ध्यान दीजिएगा मैप सीबीएस इसका कोड है। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो सीक्वेंस को व्यवस्थित करने के लिए एक ट्रिक भी है, आप चाहेंगे तो इसको अपना सकेंगे। तो मैप सीबीएस है। गणित के बाद देखिए ए से एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल शास्त्र हो गया। फिर उसके बाद पी से देखिए फिजिक्स हो गया, यानी कि भौतिक शास्त्र हो गया। रसायन शास्त्र के बाद आपका जीव शास्त्र हो गया, या जीव विज्ञान बोलिए, एक ही बात होगा, बायोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी हो गया, यानी कि समाज शास्त्र हो गया। ये ध्यान देंगे विज्ञानों के वर्गीकरण में अगस्त कांटे मूलतः छह विज्ञानों की चर्चा किए हैं। कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 विज्ञानों की चर्चा करते हैं। कई कई जगह किताबों में दिया हुआ नीति शास्त्र की भी चर्चा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे विज्ञानों के वर्गीकरण की चर्चा, इन छयों की चर्चा ये पॉजिटिव फिलॉसफी में की है। मैं बता दूं यहाँ पे नहीं लोग कंफ्यूजन हो जाता है, पॉजिटिव जो फिलॉसफी किताब है इनकी, पॉजिटिव फिलॉसफी की पुस्तक में किए हैं। बाद में जो नीति शास्त्र की इन्होंने चर्चा किया, इन्होंने नीति शास्त्र का जो चर्चा किया एक और शास्त्र का, वो इसके तहत चर्चा नहीं किया इन्होंने, वो पॉजिटिव पॉलिटी में किया था। इनकी एक पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी। तो क्या यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आया कि अगस्त कांटे साहब ने पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक में विज्ञानों के वर्गीकरण का जो चर्चा किया था उसमें नीति शास्त्र का चर्चा इन्होंने नहीं किया था। पॉजिटिव पॉलिटी नामक पुस्तक में इन्होंने नीति शास्त्र विषय की चर्चा किया था।
ये बात समझ में आ गया अंतर क्या था। इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन भी पैदा होता है, किताबों में कंफ्यूजन भी पैदा कर दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी भी यही देता है, ध्यान दीजिएगा, खगोल, गणित, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। अब देखेंगे समाज शास्त्र के बारे में, अगर कामते कहते हैं ये समाज शास्त्र इन सभी विज्ञानों का क्या है, विज्ञान है, इन सभी विज्ञानों का, अगर कामते कहते हैं कि जो समाज शास्त्र है ये समाज शास्त्र इन सभी विज्ञानों का क्या है, विज्ञान है, या विज्ञानों की महारानी कहते हैं, विज्ञानों की महारानी कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, कभी काल डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ देता है किसने कहा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगस्त कांटे ने क्या कहा कि समाज शास्त्र सभी विज्ञानों का विज्ञान है, सभी विज्ञानों का विज्ञान है, सभी विज्ञानों का विज्ञान है। ये बात समझ में आ गया, सभी विज्ञानों का विज्ञान है, ये अगस्त कांटे साहब कहते हैं। फिर देखेंगे इन्होंने कहा कि सभी विज्ञानों का विज्ञान है और विज्ञानों की महारानी है, समाज शास्त्र क्या है, सभी विज्ञानों की महारानी है, सभी विज्ञानों की, सभी विज्ञानों की महारानी, यहां ध्यान दे, महारानी सिंगल यूनिटेड काम में इसको क्लोज कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट पूछता है कि किसका एक कथन है कि समाज शास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है, तो आप उत्तर क्या हो जाएगा, अगस्त कांटे, या समाज शास्त्र सभी विज्ञानों का विज्ञान है, किसका स्टेटमेंट है, तो अगस्त कांटे का स्टेटमेंट है। इस तरह से साथियों यहां से भी प्रश्न बन जाता है। अब हम देखते हैं समाज शास्त्र पर सर्वाधिक जो है प्रभाव जीव विज्ञान का पड़ता है। अगस्त कांटे साहब कहते हैं कि समाज शास्त्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव जीव विज्ञान का पड़ता है। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र का सबसे निकटवर्ती विज्ञान कौन है, उद्विकासी क्रम में अगस्त कांटे कहते हैं जीव विज्ञान है, इसीलिए समाज शास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, जीव विज्ञान का पड़ा है। हरी बात समझ में। और इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे कम प्रभाव समाज शास्त्र का किस पे पड़े, किस विषय का पड़ेगा, तो गणित का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे दूरस्थ समाज शास्त्र इसका बहुत दूरी है, जैसे ये निकटवर्ती है तो ये दूरस्थ हो जाएगा ना, तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। इससे प्रश्न बन गया, तो इससे भी प्रश्न बन सकता है कि समाज शास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किस विषय का पड़ा है, तो जीव विज्ञान का। समाज शास्त्र पर सबसे कम प्रभाव किसका पड़ा है, गणित शास्त्र का, ये भी तो बन सकता है। हरी बात समझ में। तो ये रहा साथियों विज्ञानों के वर्गीकरण का थ्योरी रहा ये, इससे बाहर कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना ही कहीं चर्चा होते हैं। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप में कुछ है, तथ्यात्मक चीज कुछ है जो विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित है, उसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं कि क्या है विज्ञानों के वर्गीकरण का तथ्यात्मक। विज्ञानों के वर्गीकरण में कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, फैक्ट है। अगस्त कांटे कहते हैं कि विज्ञानों के वर्गीकरण में कहते हैं कि प्रत्येक विज्ञान अपने पिछले विज्ञानों पर, कहते हैं स्टेटमेंट है ये, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है आप इनमें लिख दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य जो विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित है, कथन के रूप में आता है, पूछ देता है कि किसका कथन है। तो दो कथन ऐसे हैं जो आज तक परीक्षा में बना नहीं है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि कभी भी बन सकता है, पीजीटी में नहीं बना है। देखिए पहला है, अगस्त कांटे साहब कहते हैं कि प्रत्येक विज्ञान अपने पिछले विज्ञानों पर निर्भर ही नहीं है, बल्कि
अपने नवीन खोजों के माध्यम से अपनी नवीन खोजों के माध्यम से पूर्ववर्ती विज्ञानों को या पिछले विज्ञानों को सींचता है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, बहुत शानदार। ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा? विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित स्टेटमेंट है कि प्रत्येक विज्ञान अपने पिछले विज्ञानों पर निर्भर ही नहीं बल्कि अपनी नवीन खोजों के माध्यम से पूर्ववर्ती विज्ञानों को क्या करता है, सींचता है। ये स्टेटमेंट साथियों अगस्त कामटे का ही है। अगस्त यहां देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये अगस्त होगा, अगस्त कामटे का ही है। अगस्त कामटे, इन्हीं का स्टेटमेंट, अगस्त कामटे का ही स्टेटमेंट। हरी बात समझ में? इस तरह से ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक और स्टेटमेंट है जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं, तब उसके बाद हम आएंगे साथियों कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पीजीटी में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे, यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस टॉपिक से संभावित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उस पर भी हम एक नजर डालेंगे कि अब तक प्रश्न बना नहीं है किंतु प्रश्न बन सकता है, उसकी संभावना है। आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ प्रश्न बन सकता है। आइए हम देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित, उसको भी हम देख लेते हैं। कामटे की योजना तीन चरणों में बनी थी, कामटे ने अपनी योजना बनाई थी वो तीन चरणों में बनाई थी। पहले चरण में उन्होंने, देखिएगा, कामटे ने योजना बनाई थी, पहले इसको समझिएगा। कामटे की योजना तीन चरण की थी, कामटे की योजना। पहले चरण में वो चर्चा करते हैं त्रिस्तरीय सिद्धांत का, त्रिस्तरीय सिद्धांत का चर्चा करते हैं, और दूसरे चरण में ये प्रत्यक्षवाद की चर्चा करते हैं, और अपने तीसरे चरण में ये विज्ञानों के वर्गीकरण की चर्चा करते हैं, विज्ञानों के वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। तो इसको लेकर के कहते हैं कि कामटे की योजना, बुगार्डस साहब कहते हैं, बुगार्डस, प्रोफेसर बुगार्डस का ये स्टेटमेंट है कि विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त कामटे ने जो किया था उसमें समाज शास्त्र को नवीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के रूप में दर्शाया गया है। विज्ञानों के वर्गीकरण में समाज शास्त्र को एक नवीन विज्ञान तथा सर्वश्रेष्ठ विज्ञान। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो प्रोफेसर बुगार्डस का स्टेटमेंट है। सिंगल इनवर्टेड कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा में इसे क्लोज कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञानों के वर्गीकरण में समाज शास्त्र को एक नवीन विज्ञान तथा सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये स्टेटमेंट किसका है, प्रोफेसर बुगार्डस का है। इस तरह से साथियों विज्ञानों के वर्गीकरण का जो थियरी था, कॉन्सेप्ट जो था इस टॉपिक से संबंधित पीजीटी के लिए, जहां यहां से जो भी प्रश्न बन सकता था उन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया। इससे बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किताबों में दिया हुआ है।
चाहे वो कितने भी अच्छे राइटर की किताब आप पढ़ लीजिए जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे चर्चा कर दिया गया है। उम्मीद है कि यहीं से अभी आपको मेरे कहने पे भरोसा मत करिए, अभी मैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि कैसे प्रश्न पीजीटी में पूछे गए हैं। यदि ये प्रश्न आपसे हल हो जा रहे हैं, यदि हम विज्ञानों और ये केवल विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है जो पीजीटी में पूछा गया है, तो यदि हल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है सही ट्रैक है, आप सही दिशा में अपनी पढ़ाई को ले जा रहे हैं। प्रश्न हल नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपकी पढ़ाई अधूरी है, यही होता है जज करने का तरीका। और दूसरी चीज कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल रिपीट प्रश्न ही परीक्षा में पूछे, जब नवीन प्रश्न बनेगा तो इसका अर्थ यह है कि हमें नवीन प्रश्नों की श्रृंखला भी देखना होगा कि अभी तक ऐसे कितने प्रश्न हैं कि जो परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, उस पर भी एक बिंदु हमें एक नजर डालना पड़ेगा। तो आइए एक नजर उस पर भी हम डालेंगे। सबसे पहले हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर नजर डालते हैं। आइए देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं कि कांटे ने विज्ञानों का संयोजन, ध्यान दीजिएगा यहाँ कह रहा विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से कौन सा एक सही है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, कौन सा एक सही नहीं है, ऐसे दे देगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, कौन सा एक सही है ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि विज्ञानों के वर्गीकरण में मैं आपको बताया था इसका कोड है मैप सीबीएस अर्थात मैथमेटिक्स है, देखिए मैथमेटिक्स यहां है। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र यानी नक्षत्र विज्ञान उसे बोलते हैं, एक ही बात है। फिर फिजिक्स है, देखिए यहाँ पे है। सी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है, बी बायोलॉजी जीव विज्ञान हो गया, एस से सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, चाहे फिर भी आप पढ़ लिखे गणित शास्त्र भौतिक शास्त्र, इसका अर्थ क्या खगोल शास्त्र होना चाहिए गलत हो जाएगा, ये गणित शास्त्र के बाद नक्षत्र विज्ञान ठीक है, फिर रसायन दे दिया, यहाँ फिजिक्स होना चाहिए इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखिए गणित शास्त्र नक्षत्र विज्ञान भौतिक विज्ञान और यहाँ जीव विज्ञान दे दिया, जबकि जीव विज्ञान सबसे लास्ट सॉरी जीव विज्ञान रसायन शास्त्र के पहले होना चाहिए इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये आपको बताया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कांटे ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में मतलब हायरार्की ऑफ साइंसेस, ध्यान दीजिएगा विज्ञानों के वर्गीकरण या संस्करण एक ही बात है, विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया, ये पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रथम आप खुद वही कोड लगाइए मैप सीबीएस, तो क्या हो जाएगा मैथ को दिया, मैथ कहाँ है ढूंढ लीजिए, गणित शास्त्र हो गया सही, प्रथम स्थान गणित शास्त्र को दिया। अब इस तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न देखिए किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया, तीसरा प्रश्न देखते हैं किसने विज्ञानों का अनुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ साइंसेस, इंग्लिश में लिखेगा हायरार्की ऑफ साइंसेस। इसीलिए परीक्षा में आपको एक सलाह भी दे रहा हूं कि जब कभी भी पेपर पलटिएगा तो पीछे बगल में हिंदी मीडियम विद्यार्थी के लिए इंग्लिश में भी लिखा रहता है, तो एक बार अपने प्रश्न को इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा। विज्ञानों का अनुक्रम दिया हुआ है, कहीं विज्ञानों का संस्करण दिया हुआ समझ में आ जाएगा, अनुक्रमण कहीं दे देगा तो हायरार्की ऑफ साइंसेस इंग्लिश में एक ही चीज देता है। तो किसने प्रस्तुत किया, तो आप जानते हैं अगस्त कामटे का थियोरी है, अगस्त कामटे ने इसको दिया था, अगस्त कामटे हो गए। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है, विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए कौन, अब देखिएगा यहाँ पे यदि सेंट साइमन हो तो सेंट साइमन विख्यात नहीं है, ज्यादा प्रसिद्ध फेमस कौन है, फेम किसने प्राप्त किया विज्ञानों के वर्गीकरण को लेकर के, तो वो अगस्त कामटे साहब ही हैं। तो यहाँ पे अगस्त कामटे हो जाएंगे राइट आंसर, प्रश्न हल हो जा रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं किस विद्वान ने समाज शास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है, तो ये ध्यान देंगे अगस्त कामटे साहब ने ही क्या कहा है कि समाज शास्त्र को उन्होंने कहा कि सभी विज्ञानों के जितने विज्ञान यहाँ पे था मैथ था एस्ट्रोनॉमी था
फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, सोशियोलॉजी था। इस सोशियोलॉजी को सभी विज्ञानों का इन्होंने क्या कहा था, महारानी या सभी विज्ञानों का विज्ञान कहा था। किसने? अगस्त कांटे ने। हो सकता प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन जाए कि अगस्त कांटे ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा, ये किस सिद्धांत के संदर्भ में कहा, किस सिद्धांत को देते हुए कहा? तो विज्ञानों की वर्गीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए अगस्त कांटे ने कहा था कि सभी विज्ञानों की महारानी, क्योंकि सभी विज्ञानों में सोशियोलॉजी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसको महारानी की संज्ञा देता है। आ रही बात समझ में? आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए चार पांच प्रश्न जो अभी आप पीछे देखें, बस आज तक पीजीटी के इतिहास में वही प्रश्न बना है, इतना सरल बना है, आप देख सकते हैं उसका स्तर। संभावित प्रश्न यानी प्रश्न अब तक जो नहीं बना है इस प्लेटफॉर्म पे, देखिए इस प्लेटफॉर्म की महत्ता यह है कि आपको जो प्रश्न इससे बन सकता है उसकी भी चर्चा किया जाएगा। हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पेपर तुरंत हल किया जाएगा, उससे संबंधित जितने विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ अगला सीरीज क्या होगा उसका, कि उस संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको बताया जाएगा कि जो परीक्षा में आज तक नहीं बने हैं उन पर चर्चा किया जाएगा, ताकि नवीन प्रश्न यदि परीक्षा में बने तो आप सक्षम कम से कम हो जाए उन प्रश्नों को हल करने के लिए, तभी आप टारगेट विद आलोक पे अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। आइए ध्यान देते हैं, देखते हैं इसको। संभावित प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न की कथन है कि प्रत्येक विज्ञान अपनी पिछली विज्ञान या विज्ञानों पर केवल निर्भर ही नहीं रहा है, बल्कि वह पिछले विज्ञान या विज्ञानों को अपनी खोजों से सींचता भी रहता है। यह कथन किसका है? तो देखिए मैं आपको चर्चा किया था कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित था। दो तथ्य मैंने जिक्र किया था, उन तथ्य में एक तथ्य यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रश्न बन सकता है, कभी भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांटे की योजना का तीसरा चरण विज्ञानों का वर्गीकरण था, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र को, देखिए मैं क्या कहा था कि कांटे की योजना का तीसरा चरण विज्ञानों का वर्गीकरण, पहला योजना का पहला चरण क्या था, त्रिस्तरीय सिद्धांत था। योजना का दूसरा चरण क्या था, प्रत्यक्षवाद था। योजना का तीसरा चरण क्या था, विज्ञानों का वर्गीकरण था। तो विज्ञानों का वर्गीकरण था जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र को नवीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के रूप में दर्शाया गया है, यह कथन है। किसका? बोगार्डस का, अगस्त कांटे का, पैरेटो का, मैक्स वेबर का? सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर बोगार्डस का। सारी बात समझ में? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विज्ञानों का वर्गीकरण प्रेरित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञानों का वर्गीकरण प्रेरित है, अर्थात विज्ञानों के वर्गीकरण थ्योरी को अगस्त कांटे ने किससे प्रेरित होकर के दिया, प्रश्न पूछने का सेंस यही है। तो आप देखिए सेंट साइमन उनके गुरु थे और सेंट साइमन से ही अगस्त कांटे साहब क्या थे, प्रभावित थे, प्रेरित थे। तो विज्ञानों के वर्गीकरण सिद्धांत में किस सिद्धांत को किससे प्रेरित होकर के दिए हैं, तो सेंट साइमन से प्रेरित होकर के दिए हैं। आ रही बात समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। कांटे विज्ञानों के वर्गीकरण को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किए हैं? तो पॉजिटिव फिलॉसफी आप जानते हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने किया है, पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने, यहां देखिएगा फिलॉसफी स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पॉजिटिव फिलॉसफी। अरे बात समझ में? पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने किया, इसी पुस्तक में, ध्यान रखिएगा इस पुस्तक में 6 विषयों का चर्चा किए थे ये, मैप सीबीएस। इस पुस्तक में इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी में एक नए विषय नीति शास्त्र की भी ये चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। लेकिन विज्ञानों के वर्गीकरण में मूलतः इन 6 विषयों का चर्चा वो पॉजिटिव फिलॉसफी में किए हैं। आ रही बात समझ में? इसकी भी चर्चा किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी पूछा जा सकता है। विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत
कामटी ने क्यों प्रस्तुत किया, इतना बेसिक है और यहां से प्रश्न नहीं बना है, दुर्भाग्य है आप लोगों का। विज्ञानों का जो वर्गीकरण सिद्धांत है कामटी ने क्यों प्रस्तुत किया, आपको मैं बताया था कि इसके लिए दो स्ट्रांग रीजन था कि समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही है, भी सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करने के लिए, यह भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है, ए और बी दोनों सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ ये सही हो जाएगा ऑप्शन। इस प्रकार सी ऑप्शन दोनों को जस्टिफाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन शुड बी राइट आंसर होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको इसको हटा लेना है, ध्यान दीजिएगा। सी आंसर शुड बी राइट आंसर, ए और बी दोनों सही है। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए और समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करने के लिए, दोनों। अगला देखिए, विज्ञानों के वर्गीकरण का आधार है, विज्ञानों के वर्गीकरण का आधार है पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, आपको बताया था, थियरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। फिर कह रहा घटती हुई सामान्यता, और यहां पे ध्यान देंगे और होगा, और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ डिक्रीजिंग जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो साथियों आप जानते हैं केवल एक नहीं होगा, केवल दो नहीं होगा, एक और दो दोनों सही है, यानी कि विज्ञानों के वर्गीकरण का आधार दोनों है, पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत, दोनों। इस तरह से भी आंसर सही हो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 12वां और लास्ट प्रश्न, आइए देखते हैं कथन। देखिए कभी काल क्या होता है कि हर एक टॉपिक से एक बार कथन कांड का प्रश्न जरूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी काल पीजीटी कथन कांड संबंधित प्रश्न भी बना देता है, तो अमूमन स्टूडेंट फंस जाता है उसमें। तो ध्यान से देखेंगे कि कथन कारण, इसीलिए मैंने एक प्रश्न कथन कारण से भी यहाँ बना दिया है कि विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र जीव विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो सही बात है। आप देखेंगे मैप सीबीएस, मैप सीबीएस, तो यहां देखिए समाजशास्त्र और बायोलॉजी दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित, दोनों एक दूसरे के आसपास हैं। तो विज्ञान कारण क्या बता रहा है, कारण कह रहा विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र का निकटवर्ती विषय है जीव विज्ञान। तो सबसे पहले जब हम कथन कारण के प्रश्न को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कथन सही है, इसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं कि विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र जीव विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, स्टेटमेंट सही है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। फिर देखिएगा इसको भी चेक करते हैं क्या ये सही है, विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र का निकटवर्ती विषय है जीव विज्ञान, ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। तो इतने आधार पर यदि हम देखें तो हमको दो उत्तर मिल जाएगा, ए और आर दोनों सही यहाँ पे भी है, ए और आर दोनों सही यहाँ पे है, बाकी ये नहीं होगा, यानी अब आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब हम देखते हैं कि ए और आर में ए सही है आर सही है, क्या आर ए की सही व्याख्या करता है, क्या आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जब इस तरह के प्रश्नों को हम देखते हैं कि क्या व्याख्या करता है, तो बीच में क्योंकि लगा के तेजी से पढ़ते हैं, बीच में क्योंकि लगा दीजिए और तेजी से पढ़िए, विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र जीव विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र का निकटवर्ती विषय है जीव विज्ञान। जी हाँ, यानी कि ये जस्टिफाई भी कर दिया, ये व्याख्या भी कर दिया, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी है, क्यों घनिष्ठ रूप से सोशियोलॉजी का बायोलॉजी से क्यों घनिष्ठ रूप से संबंध है, क्योंकि सोशियोलॉजी का निकटवर्ती सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसीलिए इसका समाजशास्त्र से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। इस तरह से कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या, इस तरह से ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर। इस तरह से साथियों आप इस विज्ञानों के वर्गीकरण टॉपिक को आपने देखा, आपने समझा, पहले हमने आपको जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु आपको स्पष्ट करा दिया, फिर उसके बाद उससे संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कराया गया और देखा गया कि जितने भी प्रश्न बने हुए हैं वो स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल पाठ्य सामग्री आपको जो पढ़ाया गया है उससे बाहर नहीं है, और
जो संभावित प्रश्न है, भविष्य में प्रश्न उठ सकते हैं इस टॉपिक से, उस पर भी एक चर्चा कर लिया गया, एक नजर डाल दिया गया। उम्मीद है कि अब इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं बनेगा। ये मेरा जो कुछ भी हमने विज्ञानों के वर्गीकरण में देखा, समझा, आपको पढ़ाया, समझाया, और यहाँ पे एक टीचर और कोच की भूमिका हमने अदा किया। तो इस तरह से हमने एक समग्रता में इस विज्ञानों के वर्गीकरण टॉपिक को कवर किया। और यदि इस स्ट्रेटजी के साथ हम एक एक टॉपिक, हर एक टॉपिक को इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे लेकर के चलेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है कि टारगेट विद आलोक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपने टारगेट को पूरा ना कर पाए, कोई संदेह नहीं इसमें। ध्यान रखिएगा, आप हमेशा इस, यदि आपकी स्ट्रेटजी यही रहेगी तो इस टारगेट विद आलोक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपने टारगेट को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे सफल होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।